गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ई लर्निंग सेशन ऑफ एस आर मेमोरियल स्कूल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन योर यू एस बुक इज चैप्टर टू सेंसिंग द वर्ड मतलब वर्ड में हम किस तरह से अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं और सेंस में हम हमारे कितने सेंसेस होते हैं फाइव सेंसेस होते हैं और हम इन सब का किस तरह से कब कब यूज करते हैं सो लेट्स स्टार्ट आ चैप्टर इसमें इसके अंदर हमारे दो टॉपिक्स हैं फर्स्ट इज आ सेंसेस, सेकेंड इज गुड टच एंड बैड टच सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दिस इज योर एक्टिविटी राइट वन एक्टिविटी यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंगस अगेंस आई स् नोज एंड यर्स हमें इसमें कुछ एक्टिविटी लिखनी है जो हम आइज़ की हेल्प से करते हैं नोज की हेल्प से करते हैं और ईयर्स की बट पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड देन यू विल हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू आस ऑर्गेंस दे सेंस थिंग्स अराउंड अस एंड सेंड सिग्नल्स टू आर ब्रेन इससे हमें बता रहा है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वर्ड से वर्ड के चारों तरफ की सारे चीज़ों से अपने सेंस ऑर्गेंस के थ्रू वर्ड में जितनी दो चीज़ें होती हैं हम अपने सेंस ऑर्गेंस के थ्रू उसके उससे देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन को समझते हैं जैसे कि अगर हमने कोई चीज़ देखी तो उसमें हमारा कौन सा सेंस ऑर्गेन यूज़ हो रहा है हमारी आइज़ यूज़ हो रही है हमने आइस का यूज़ करके हम वर्ड को देखते हैं कोई कुछ बोल रहा है तो हम अपने सेंस ऑर्गन्स को कौन से सेंस ऑर्गेन को यूज़ करते हैं ईयर्स को लाइक like अभी आप वीडियो देख रहे हो तो इसमें आप इस वीडियो को देख रहे हो यू आर यूजिंग योर आईज एंड यू आर यूजिंग योर ईयर्स ऑल्सो टू वॉच दिस वीडियो सो इस टाइम आप अपने टू सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करो अपने आइस को और ईयर्स को और अपने हैंड्स से पकड़ा हुआ है यू आर यूजिंग योर हैंड्स सो वी यूज ऑल द सेंस ऑर्गन्स टू टू दि थिंग्स दे सेंस थिंग्स अराउंड अस एंड सेंस सिग्नल्स टू आर ब्रेन हमारे ये सेंस ऑर्गन्स हमारे आस पास की सारी चीज़ों की को देखते हैं उन्हें समझते हैं और अपने ब्रेन तक सिग्नल्स को भेजते हैं क्योंकि अगर हम किसी कभी भी कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं तो पहले वो ऑर्गन्स हमारे ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं कि ये चीज़ हमने देखी या सुनी फिर ब्रेन हमें वापस से समझाता है कि हाँ ये ये चीज़ है या अगर आप बुक को देख रहे हो तो ये बुक है आप इसमें से पढ़ रहे हो या आप सुन रहे हो या कोई वीडियो है या कोई ये सॉन्ग है तो आप जी यस के थ्रू सुन रहे हो तो वो ब्रेन हमें उसका आंसर करता है आप ब्रेन इंटरप्रेट्स दो सिग्नल्स एंड गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू विच आर बॉडी रिएक्ट्स हमारा जो ब्रेन है उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है इंटरप्रेट करता है मतलब उसे समझता है उसकी सारी बारीकियों को उसे अपने अंदर सारी चीज़ों को समझता है एंड गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू विच आ बॉडी रिएक्ट्स और वो ब्रेन उन चीज़ों को समझने के बाद हमें इंस्ट्रक्शन देता है मतलब हमें आदेश देता है कि अब हमें क्या करना है जस्ट लाइक एग्जाम्पल अगर हमने किसी गर्म चीज़ को छुआ तो हमारे हैंड्स का यूज़ हुआ हमने अपने टच का सेंस ऑर्गेन्स यूज़ किया और हमारे ब्रेन तक वो चीज़ पहुँची तो हमारे ब्रेन ने तुरंत वो कहा कि अपना हाथ हटाओ वरना हाथ हमारा जल जाएगा ये इंस्ट्रक्शन हमारा ब्रेन हमें देता है बट ये इतना फास्ट होता है कि आप ये नहीं सोच सकते हो कि एक स्टेप हुआ फिर दूसरा स्टेप हुआ फिर तीसरा स्टेप हुआ आपने हैंड से टच किया ब्रेन ने तुरंत वो वो सिग्नल ब्रेन तक पहुँचा और ब्रेन ने तुरंत कहा कि जस्ट रिमूव योर हैंड्स फ्रॉम दैट साइड अदरवाइज यू बी बर्न कि आपका हाँ जल जाएगा तो आप ऐसा करते हो आपने कोई गर्म चीज़ सुई अपने हाथ हटा लेते हो आपने कोई ठंडी चीज़ सुई बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप अपने हाथ हटा लेते हो इस तरह से आप यूज़ करते हो अपने सेंस ऑर्गन्स का और अगर, अगर आपने बहुत कोई तेज़ चीज़ को सुना बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही तो ब्रेन कहता है तुरंत तो अपने ईयर्स को क्लोज कर लो तो हम अपने हैंड्स से अपने ईयर्स को कवर कर लेते हैं तो इस तरह से ब्रेन हमारे सेंस ऑर्गन्स के सारे सिग्नल्स को समझता है और हमें आदेश देता है कि हमारी बॉडी उस उससे रिएक्ट करे तभी हम उस तरह से अपने रिएक्शंस को करते हैं आ सेंस ऑर्गन्स दस हेल्प अस टू बी अवेयर अबाउट द थिंग्स हैपनिंग इन आर सराउंडिंग्स इस तरह से हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमें अवेयर करते हैं हमें अवेयर मतलब हमें जागरूक करते हैं कि हमारे आस की सराउंडिंग मतलब हमारे आस की चीज़ों में क्या हो रहा हैपनिंग मतलब क्या चीज़ें हो रही हैं हम क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं क्या फील कर रहे हैं एटसेट्रा ऑल द थिंग्स की हमने की हमारे आस पास की हमने क्या क्या चीज़ों को देखा समझा सुना वी हैव फाइव सेंस ऑर्गेंस हमारे हमारे बॉडी में फाइव सेंस ऑर्गेंस हैं पाँच सेंस ऑर्गेंस हैं कौन कौन से हैं दीज आर आर ईयर्स सॉरी दीज आर आर आईज नोज ईयर्स टंग एंड स्किन ये पाँचों सेंस से ऑर्गेन से कौन कौन से हैं हमारी आइज आँखें Nose, हमारी नाक इयर्स हमारे कान टंग हमारी जीभ और स्किन हमारा हमारी त्वचा ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं अब हम देखेंगे कि हम इन सेंस ऑर्गन से कौन कौन सी चीज़ों को करते हैं कि ये, ये सारे सेंस ऑर्गन्स किस चीज़ को फील कराते हैं या किस 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 तरह से हम इन्हें यूज़ करते हैं अब फर्स्ट पैरा आर सेंसेस आईज हेल्प टू सी रीड बुक्स वॉच टेलीविजन एट्सेट्रा हमारी जो आइज़ है हमारी आँखें वो हमें किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं आँखों से हम क्या क्या करते हैं बताओ हम देखते हैं टू सी हम देखते हैं रीड बुक्स हम बुक्स पढ़ते हैं किताबों को पढ़ते हैं वॉच टेलीविजन टी देखते हैं तो ये सारी चीज़ों का यू ये सारी चीज़ें हम आँखों का यूज़ करके ही तो करते हैं ना तो हम अपनी आँखों का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं हम देख सकते हैं बुक पढ़ सकते हैं टी देख सकते हैं कोई कार्टून देख सकते हैं या बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी देख सकते हैं दे ऑल्सो मेकअस अवेयर अबाउट डेंजरस थिंग्स लाइक अ स्पीडिंग कार कमिंग टूवर्ड्स अस हमारी आँखें हमें बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं देखने में तो हमें इससे भी अवेयर होते हैं हम इससे भी जागरूक होते हैं कि हमारे आसपास क्या डेंजरस क्या ख़तरनाक चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप रोड पे खड़े हो और आपके तरफ लाइक अ स्पीडिंग कार कमिंग टुवर्ड्स अस अगर कोई तेज़ रफ्तार में कोई कार आपके पास आ रही है तो आपको पता चल जाएगा अपनी आँखों से देख के कि वो कार हमारी तरफ आ रही है तो वो हमारे लिए डेंजरस है हमें हट जाना चाहिए वहाँ से हमारी बॉडी तुरंत कहती है हमारा ब्रेन कहता है कि कार के सामने से सा हट जाओ वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें कैसे पता चला हमारी आईज़ ने हेल्प करी ना हमारी आईज़ ने उस चीज़ को देखा कि वो कार बहुत स्पीड में आ रही है तब हमारे ब्रेन ने बताया कि वहाँ से हट जाओ वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमारी आइज़ जो है हमारी अच्छी चीज़ है और हमें बुरी चीज़ों से बचने के लिए भी हमें हेल्प करती है ताकि हम उन्हें देख के सही गलत चीज़ें समझ सकें द आई सेंड सिग्नल्स टू आर ब्रेन एंड द ब्रेन ऑर्डर्स आर बॉडी आर बॉडी रिएक्ट सॉरी आर बॉडी रियक्ट अकॉर्डिंगली एंड वी मूव अवे फ्रॉम द डेंजर जैसा अभी मैंने बताया कि हमारी जो आइज हैं वो देखती हैं कि वो कार आ रही है स्पीड से हमारी आइज तुरंत सिग्नल सेंड कर दी सेंड करना मतलब भेजना तुरंत सिग्नल्स को मैसेज को भेजती है ब्रेन पे और ब्रेन तुरंत बॉडी को ऑर्डर करता है ब्रेन ऑर्डरस आर बॉडी तुरंत अपनी बॉडी को ऑर्डर करता है क्या कहता है कि वहाँ से हट जाओ वो डेंजर है वो हमारे लिए खतरा है तो हम तुरंत तो हम वहाँ से हट जाते हैं तो हमारी बॉडी भी उसी के उसी के तरह से रिएक्ट करती है कि हम, हम, हम हमारा एक्सीडेंट ना हो और हम बच जाए ठीक है तो इस तरह से हमारी आइज़ हेल्प करती हैं कि हम कैसे चीज़ों से किसके साथ रिएक्ट कर सकें नेक्स्ट इज आयर्स आ ईयर्स हेल्प अस टू हियर मैनी साउंड्स लाइक द टिंकलिंग ऑफ अ बेल और द हॉकिंग ऑफ कार्स दस ईयर्स ऑल्सो अलर्ट अस अबाउट द डेंजर्स अराउंड अस हमारी ईयर्स क्या करते हैं हमारे कान हमारे कानों की हेल्प मदद से हम क्या करते हैं बताओ तो हम सुनते हैं आर ईयर्स हेल्प अस टू हेयर हेयर मतलब सुनना उसकी मदद से हम सुनते हैं मैनी साउंड्स बहुत सारे साउंड्स अलग अलग तरह के साउंड्स जैसे कि टिंकलिंग ऑफ अ बेल और द हॉर्निंग ऑफ कार्स जैसे कि बेल मतलब अगर कोई घंटी बजती है या फिर हॉर्निंग हॉन्किंग ऑफ कार कार की कार की लोग हॉर्न बजाते हैं तो उसकी भी आवाज़ तेज़ तेज आती है तो हम हर तरह की आवाज़ों को सुन सकते हैं दस इयर्स ऑल्सो अलर्ट अस अबाउट द डेंजर्स अराउंड तो इस तरह से ईयर्स भी हमें बताते हैं कि हमारे आसपास कौन सी अच्छी चीज़ों की आवाज़ है और कौन सी डेंजरस कौन सी खतरनाक चीज़ों की आवाज़ है वो भी हमें अपनी ईयर्स से पता चल पाता है हम कर पाते हैं उसे सुन के आर नोज